दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपके घर पे स्मार्ट मीटर लगा हुआ है तो आपके स्मार्ट मीटर में कोई फाइन लग रहा है या फिर कोई फाइन नहीं लग रहा है, या आप कैसे चेक करेंगे, कैसे आप पता करेंगे कि आपके स्मार्ट मीटर में कोई भी फाइन लग रहा है या नहीं लग रहा है, या फिर लग रहा है तो किस तरह का फाइन लग रहा है, उसका क्या उपाय है, तो इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपके स्मार्ट मीटर में कभी कभी अचानक से अधिक बैलेंस कट जाता है तो आपको पता नहीं चलता है। आप जब अपने स्टेटमेंट में चेक करते हैं तो आपको वहाँ पे क्रेडिट डेबिट और डिफरमेंट अमाउंट में कुछ अमाउंट आ जाता है नेगेटिव में, और उतना अमाउंट आपके बैलेंस से कम हो जाता है। ये अमाउंट कभी कभी प्लस में भी रहता है, माइनस में भी हो सकता है। आप जो रिचार्ज करते हैं वो अमाउंट भी इसी कॉलम में आता है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर आपका कभी बैलेंस कटा तो वो किस चीज़ से कटा वो पता नहीं चल पाता है। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके बिल में किसी तरह का फाइन लग रहा हो, जैसे आपको लेट फाइन लग रहा हो, या फिर एक्सेस डिमांड चार्ज लग रहा हो, या फिर कैपेसिटर चार्ज लग रहा हो। तो किसी भी तरह का कोई फाइन अगर आपके बिल में लग रहा है तो वो अमाउंट इस कॉलम में आ जाएगा जब भी आपका बिल जनरेट होता है। जब भी आपका बिल जनरेट होगा तो कोई भी फाइन अमाउंट अगर आपके बिल में चार्ज हुआ है तो आपके बैलेंस से वो कट जाता है और वो आपको यहाँ पे क्रेडिट डेबिट और डिफरमेंट अमाउंट में दिखता है। क्रेडिट डेबिट डिफरमेंट में फाइन के अलावा और भी चार्जेज हो सकते हैं, और भी अमाउंट कटने का तरीका हो सकता है, लेकिन एक तरीका उसमें से ये भी है कि आपके बिल में फाइन लग रहा हो। तो आप एटलीस्ट अगर आपके बिल में अमाउंट में आपके स्मार्ट मीटर में अगर कोई बैलेंस अचानक से कटा है या डिफरमेंट अमाउंट में कोई अमाउंट कटा है तो आप अपने बिल में फाइन अमाउंट जरूर चेक कर सकते हैं, आपके बिल में कोई फाइन लग रहा है क्या। अगर वहाँ पे कोई फाइन लग रहा है तो आप उसको ठीक करा सकते हैं। दोस्तों हमारे स्मार्ट मीटर में जो डेली का रिडक्शन होता है उसमें सिर्फ दो ही चीज रिडक्शन होता है, पहला फिक्स चार्ज का और दूसरा एनर्जी चार्ज का। मतलब जो यूनिट का चार्ज होता है उसका डिडक्शन होता है और फिक्स चार्ज का डिडक्शन होता है। इसके अलावा अगर कोई भी फाइन लग रहा है तो वो डेली डिडक्शन में नहीं आता है, वो जब भी आपका बिल जनरेट होता है तभी वो डिडक्ट होता है। मतलब महीने में एक बार आपका बिल बनता है तो महीने में एक बार जिस दिन बिल बनेगा उस दिन या उसके अगले दिन आपके बैलेंस है वो डिडक्ट होता है। तो ऐसे में अगर आपके बिल से कभी अचानक से बैलेंस कटा है तो सबसे पहले आपको अपना बिल डाउनलोड करके देखना चाहिए कि उसमें कोई फाइन लगा है कि नहीं। अगर फाइन लगा है तो आप वहां से समझ जाएंगे कि आपका पैसा किस लिए कटा है, क्यों कटा है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपना बिल डाउनलोड करें। बिल डाउनलोड करेंगे तभी आप उसमें देख पाएंगे कि उसमें कौन सा फाइन लगा है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आप अपना बिल स्मार्ट मीटर का कैसे डाउनलोड करेंगे। दोस्तों इसके लिए तीन तरीका है। पहला, या तो आप अगर आप बिहार बिल स्मार्ट मीटर में लॉगिन किए हुए हैं तो आप उसमें लॉगिन करके बिलिंग वाले टैब में जाइए। यहाँ पे आपको व्यू बिल का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप जो भी लेटेस्ट बिल आपका बना हुआ होगा उसका PDF आपको डाउनलोड हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप SBPDCL या NVPDCL जो भी कंपनी के आप बिलोंग करते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लीजिए और वहाँ पे जो ऑप्शन आता है यहाँ पे अपना विद्युत राशि देखने और विपत्र भुगतान करने, इस ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है। आपको अपना कंज्यूमर ID यानी CA नंबर डालना है। उसके बाद से एक ऊपर में आपको इस तरह का व्यू बिल का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ व्यू बिल पर क्लिक करेंगे तो फिर आप अपना PDF फॉर्म में बिल डाउनलोड करके देख सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आप सुविधा ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सुविधा ऐप में आपको बिलिंग एंड पेमेंट सर्विसेज में जाना है, वहाँ पे व्यू बिल और रिसिप्ट वाले ऑप्शन में जाके अपना CA नंबर डाल के डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको PDF डाउनलोड करने का मिल जाएगा और आपको जो लेटेस्ट बिल होगा वो आपको यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, तो आप उस बिल में देख पाएंगे कि आपका क्या फाइन लगा है। तो अभी तो हम लोग देख लिए कि बिल कैसे डाउनलोड करेंगे। अब बिल डाउनलोड कर लिया आपने तो आपको बिल में देखना है कि कोई फाइन लग रहा है कि नहीं। दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर एक बिल देख रहे हैं, इसमें देखिए तीन जगह बना हुआ है जहाँ पे आपको फाइन लगता है। जो भी आपका फाइन लगता है वो इस तीन तरह के ही फाइन है। इसमें सबसे पहले आपको डिले पेमेंट सरचार्ज यानी लेट फाइन कह लीजिए, या फिर अगर आपका पहले का कोई बिल बाकी है तो उसका ब्याज उस पर जो लगता है वो आपका हो गया लेट फाइन। तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर में जो एरियर वाला पार्ट है इसमें अगर कोई अमाउंट आ रहा है पॉजिटिव में तो आपको यहाँ पे लेट फाइन यानी डिले पेमेंट सरचार्ज लगेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका बिल में कोई पहले का बाकी आ रहा है, या फिर आप हर महीने भुगतान नहीं है, या फिर स्मार्ट मीटर लगने से पहले का कोई बाकी है तो आपको यहाँ पर डिले पेमेंट सरचार्ज लगेगा, और ये अमाउंट आपको जिस दिन बिल बनेगा उस दिन आपके अमाउंट बिल से डिडक्ट हो जाएगा। अगर आपका इंस्टॉलमेंट चल रहा है तो इंस्टॉलमेंट तो कट रहा ही है, उसके अलावा ये डिले पेमेंट सरचार्ज का जो फाइन अमाउंट होगा वो एक बार जब बिल बनेगा तो कटेगा। दूसरा है एक्सेस डिमांड चार्ज। यह फाइन तब लगता है जब आपका लोड जितने किलोवाट आपने कनेक्शन लिया है उससे अधिक इस्तेमाल कर लिया है तो आपको यहाँ पे एक्सेस डिमांड चार्ज में अमाउंट आ जाएगा। आप हमारे केस में देखिए यहाँ पे एक्सेस डिमांड चार्ज लगा हुआ है, इनको एक्सेस डिमांड चार्ज लगा हुआ है। तो क्यों लगा हुआ है तो आप बाएं साइड में अगर बिल में देखेंगे तो यहाँ पर दिखता है आपको कि आपका स्वीकृत भार कितना है और आपने इस्तेमाल कितना किया है। तो देखिए हमारे केस में यहाँ स्वीकृत भार कितना है 4 किलोवाट और इस्तेमाल कितना हो रहा है 5.65, यानी कि ये जितना लोड का कनेक्शन है उससे अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इनको
एक्सेस डिमांड चार्ज में पैसा लग रहा है। तो इसमें क्या करना है, इनको अपना लोड बढ़ा लेना है। 5.65 आ रहा है तो इसको मतलब 6 किलोवाट का कनेक्शन अगर आप कर लेंगे तो आपको जो भी लोड का फाइन लग रहा है वो आप बचा सकते हैं, आपको लोड का फाइन नहीं देना पड़ेगा। तीसरा फाइन है जो कैपेसिटर चार्ज। यह फाइन सिर्फ कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए है, जो भी व्यावसायिक उपभोक्ता है सिर्फ उन्हीं को यह चार्ज लगता है, बाकी डोमेस्टिक में या फिर इंडस्ट्रियल कनेक्शन में, इंडस्ट्रियल में तो हालांकि केवीएच में बिलिंग होता है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, बाकी डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए पावर फैक्टर कितना भी हो जाए उनको कोई सरचार्ज नहीं देना पड़ता है। तो अगर आपका कमर्शियल कनेक्शन तो उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैपेसिटर चार्ज में कोई अमाउंट आ रहा है कि नहीं। ये अमाउंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे फाइन भी आता है और रिबेट भी आपको मिलता है। अगर 0.9 से कम है आपका पावर फैक्टर तो आपको फाइन लगता है, 0.9 से अगर अधिक है 0.95 0.98 तो आपको फिर कैपेसिटर परिवार में रिबेट मिलता है, तो वहाँ पे अमाउंट निगेटिव में आ जाएगा। तो अगर आपका यहाँ अमाउंट नेगेटिव में आ रहा है तो फिर कोई इशू नहीं है, आपको रिबेट मिल रहा है। अगर वो अमाउंट पॉजिटिव में है तो इसका मतलब आपको कैपेसिटर चार्ज का फाइन लग रहा है। तो ऐसे में आप चेक कर सकते हैं आपका पावर फैक्टर कितना है। आप बिल में ही देखेंगे इस साइड में रीडिंग के नीचे में देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ पावर फैक्टर, यहाँ पे आपको देखना है कि आपका पावर फैक्टर कितना लिखा हुआ आ रहा है। 0.9 से नीचे आ रहा होगा तभी आपको वहाँ पे फाइन लगेगा। तो 0.9 से अगर नीचे आया तो आपको या तो अलग से आपके अप्लाई दुकान में या फिर शोरूम में आपको कैपेसिटर अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसा अप्लायंस है जिसमें कुछ खराबी हो गया है या फिर कैपेसिटर उसका काम नहीं कर रहा जिसके वजह से आपको फाइन लग रहा है तो आप उसको ठीक करवा लीजिए, या फिर कोई अप्लायंस बहुत पुराना है जिसकी वजह से पावर फैक्टर भी खराब होता है तो आप उसको सही करवा लीजिए या फिर चेंज करवा लीजिए, तो उसकी वजह से तो इस तरह से आप उसको ठीक करा सकते हैं। जनरली लोग कैपेसिटर अलग से इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको पावर फैक्टर सही हो जाता है। तो जो भी आपके लिए सुटेबल हो आप वहां से कर सकते हैं। तो ये तीन तरह का फाइन है जो आपके बिल में आते हैं और जो आप अपना बिल डाउनलोड करके देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगी अगर आपका बिल अचानक से कुछ कटा है तो वो क्यों कटा है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह नए वीडियोस लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।